दो भाई थे, सगे थे, एक थाली में खाते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ काम था, कोई बंटवारा नहीं था, एक चूल्हे पर रोटियां बनती थी। एक दिन क्या हुआ कि एक बड़ा भाई, दोनों भाइयों का एक एक बेटा, दोनों भाइयों का एक एक बेटा था। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक दिन बड़ा भाई खेत से लौटा तो वो आम के पके पके दो फल लेकर के आया, क्योंकि उसके खेत में आम थे तो पके हुए दो आम लाया। संयोग देखिए कि एक आम बड़ा था और एक आम का साइज छोटा था, और उसके इस हाथ में बड़ा आम था, इस हाथ में छोटा आम था। जब वो बड़ा भाई अपने घर गया तो उसके दोनों बच्चे, छोटे भाई का बेटा और खुद का बेटा, दोनों आए। दोनों ने कहा आम, एक ने कहा पापा आम लाए हैं, दूसरे ने कहा ताऊ जी आम लाए हैं। लेकिन देखिएगा, जिस हाथ में बड़ा आम था उस तरफ छोटे भाई का बेटा खड़ा था, और जिस हाथ में छोटा आम था उस तरफ उसका खुद का बेटा खड़ा था। तो उसने क्या किया, अपने हाथों को यूं कर लिया, ये लो आम, उसने हाथों को, उसको लगा कि मेरा बेटा बड़ा आम खाए और मेरे भाई का बेटा छोटा आम खाए। ये तो आम की बात थी, बच्चों को तो क्या पता कि ये कपट कर रहे हैं, पर बच्चों ने तो खाया। पर उसकी इस करतूत को उसका भाई छत से देख रहा था। उसके भाई को लगा कि, तुरंत उसने नीचे उतर के अपने भाई के चरण छुए और भाई से हाथ जोड़कर कहा, भैया अब हम अलग होना चाहते हैं। क्यों, क्या हुआ तुझे? नहीं भाई, अब अलग रहेंगे। उसने अपना घर, अपना चूल्हा, अपना सब अलग अलग कर लिया। विवाद होके, झगड़ा करके अलग अलग होएं, उससे अच्छा प्यार से अलग अलग। तो बड़े भाई ने छोटे से पूछा, मेरे भाई बता तो सही, क्या गलती हुई मेरे से, तू मुझे छोड़कर क्यों जाता है? उसने कहा, भाई अब आपके अंदर कपट आ गया। उस दिन आपने आम दिए थे बच्चों को, तो आम जब आपने दिए तो आपने हाथ यूं कर लिया। अरे आमों की क्या कीमत है प्रेम के सामने, पर जरा से आम के कारण, जरा सी चीजों के कारण लोग कपट कर लेते हैं, जरा जरा सी बातों का, कोई उन बातों में दम नहीं है। इसलिए मेरी माँ, तुम्हारा बेटा छोटा आम खा लेगा, उससे तुम्हारा बेटा बड़ा बलवान ना हो जाएगा, और उसका बड़ा आम खाने से बहुत बलशाली नहीं, और तुम्हारा छोटा खाने से कमजोर नहीं हो जाएगा। इसलिए बातें खाने पीने की नहीं है। कहते हैं जरा सी गलती से, गलती से शीशा टूटता है, और गलतफहमियों से रिश्ते टूट जाया करते हैं। इसलिए रिश्तों में गलतफहमी ना हो, और विशेष चीज कपट ना हो, कपट रहित जीवन जीना चाहिए। छोटा भाई बड़े भाई के लिए कपड़े लाए, बड़ा भाई छोटे भाई के लिए कपड़े लाए, जिठानी देवरानी के लिए साड़ी खरीदे, देवरानी जिठानी के लिए साड़ी पसंद करे, वो घर घर नहीं स्वर्ग है जहां एक दूसरे के लिए लोग जीते हैं। लेकिन आजकल इतना कपट भर चुका है लोगों के अंदर, जिठानी कहती है मैं तो देवरानी की शक्ल नहीं देखना चाहती महाराज, और देवरानी भी कहती है मैं अपनी जिठानी के जीते जी देहरी नहीं चढ़ूंगी। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, आजकल छोटा भाई अपने बड़े भाई से बात नहीं करता, बड़ा भाई छोटे भाई से कोई छोटी छोटी बातों पर बात नहीं करता, जमीन के बंटवारे के कारण लड़ाई हो गई। अरे भाई तुम भाई हो, एक साथ बैठ के सुलझा क्यों नहीं लेते कि भाई ये तुम ले लो, ये हम ले लो, एक ही अपने आप को सरेंडर कर दो, और हो सके कोशिश करो झगड़ा ना हो। चूल्हे अलग होए चलेगा, घर अलग होए चलेगा, कारोबार बिजनेस अलग होए चलेगा, पर मन दिल नहीं होना चाहिए अलग अलग, अलग होकर भी एक रहो। यही जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। आज भाई भाई लड़ रहे हैं जरा जरा सी बातों में, पड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे हैं जरा जरा सी बातों में, क्या मिल जाएगा तुम्हें लड़कर झगड़कर? आपस में प्रेम करना सीखो। हम मर जाएंगे, कुछ बांध करना तुम्हारे बाप ले गए ना तुम ले जाओगे, केवल प्रेम ही रह जाता है मेरी माँ, इस धरती पर हमारे और आपके द्वारा प्रेम ही रह जाता है। इसलिए प्रेम से रहा करो, निष्कपट होके रहा करो, कोई कपट ना हो।
सबके प्रति प्रेम हो। पूतना के अंदर कपट था, इसलिए भगवान ने उन्हें देखना भी पसंद नहीं किया और पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली, क्योंकि पूतना का तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं। और जिनका तन सुंदर होता है, मन सुंदर नहीं होता, भगवान कहते हैं ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए क्या जरूरी है मेरी, क्या अच्छा करना है, क्या अच्छा करना है, जोर से बोलो, क्या मन। तो आप लोगों का मन अच्छा है, जिठानी को देख के गुस्सा तो नहीं आता, देवरानी को देख के गुस्सा तो नहीं आता। एक जिठानी बोली मेरे से, महाराज मैं अपनी देवरानी के घर कभी नहीं जाऊंगी। मैंने कहा जब मरेगी तब रसगुल्ले खाने तो जाएगी तेरी ही मैं, हाँ महाराज तब जाऊंगी, जब मर जाएगी तब जाएगी, जीते जी नहीं जा रही। तो जमाना यही कहेगा, लो जिंदा थी तब तो शकल दिखाई नहीं और अब देखो चली आई अपना। इसलिए मेरी माँ, आज भाई, एक भाई मेरे से बोला मैं अपने भाई के घर महाराज जी कभी नहीं जाऊंगा। मैंने कहा जब भाई मर जाएगा तब तो जाएगा कि नहीं जाएगा, आप बताइए। जो भाई आज अपने भाई के घर नहीं जाता, उसका भाई जब मरेगा तब जाओगे कि नहीं मरे में, बोलो हाँ या ना, जाओगे तो मरे में जाओगे, जीते जी नहीं जाओगे। तो समझदार हो के बेवकूफ हो क्या हो? अरे मरने पर तो दुश्मन भी आता है, मरने के बाद तो दुश्मनी छोड़कर दुश्मन भी आता है। जीते जी भाई का रिश्ता निभा लो। माना कि भाई गलत है, आप सही हैं, पर फिर भी कुएं में बाल्टी उतरती है तो जब तक झुकती नहीं है तब तक भरती नहीं है। यदि झुक जाए तो बाल्टी भी पानी से भर जाती है। यदि झुककर रिश्ते बचा सको तो झुककर रिश्तों को बचा लेना चाहिए। आपकी अकड़ से कहीं रिश्ते टूट ना जाए मेरी माँ। इसलिए बताइए, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रिश्ते उलझ जाए, धागा उलझ जाए तो उसे सुलझा लो, कैंची चलाना ना पड़े। उसी प्रकार रिश्तों के धागे उलझ जाएं, रिश्ते उलझ जाएं तो सुलझा लो, उनमें कैंची ना चलाना पड़े। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये प्रेम की डोरी मेरी माँ बनी रहे, बनी रहे। तो आप में से कितने लोग आज मुझे ये विश्वास देंगे कि आप लोग अपने रिश्तों को बड़ी समझदारी से निभाएंगे, प्यार से। हो गई बातें, लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, अब तो गले लग लो, अब तो प्यार से। अरे शरीर में घाव हो जाए तो समय आने पे पुर जाते हैं, भर जाते हैं कि नहीं, हाँ या ना। जब शरीर का नियम ये है कि समय पर घाव भर जाते हैं, तो तुम्हारे जीवन के पुराने घावों को तुम भर क्यों नहीं लेते और क्यों नहीं प्यार मोहब्बत से रहने लग जाते? ये अकड़ कब तक चलेगी? अकड़ नहीं मेरी माँ, अकड़ नहीं। आज लोग जरा जरा सी बातों में अकड़ दिखाते हैं, जरा जरा सा, किसी को जरा सा धन मिल जाए, जरा सा पैसा मिल जाए, जरा सी प्रतिष्ठा बढ़ जाए तो लोग चलते नहीं है, उड़ने लग जाते हैं। कई लोग उड़ते हैं, चलते नहीं है। कई लोगों को बड़ा घमंड होता है, बड़ा अहंकार होता है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। अच्छा कब तक रहेगा ये और बता दो। जो कहते हैं कि मेरे पास ये है वो है, मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरी माँ, मैंने करोड़पतियों को भिखारी बनते देखा है। सबका समय एक सा नहीं होता, ना दिन ही दिन रहेगा, ना रात ही रात रहेगी। हमारे यहाँ, अपने यहाँ कहावत है, घूरों के दिन भी बदलते हैं। समय सबका बदलता है मेरी माँ, समय बदलता है। इसलिए समय आज आपका अच्छा है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप अहंकार करेंगे, दूसरों का अपमान करेंगे। अरे सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, मिलजुल के रहिए। अहंकार बताइए, रावण जैसों का अहंकार चला क्या? जिनकी लंका सोने की थी उनका चला क्या कि तुम्हारा चलेगा?
और बात करते हो पैसों की, तो बताओ कितना पैसा है आपके पास, कितना है? अकड़ नहीं। रावण की लंका मिट गई, सोने की थी। जब रावण जैसों की अकड़ अहंकार ना चला तो हमारे और आपके घर तो माटी के हैं। हमारा अकड़, हमारी अकड़ और हमारा अहंकार कितने दिन चलेगा? इसलिए अहंकारी बनकर नहीं, अच्छा इंसान बन के रहा करो, अच्छा इंसान बन के जिया करो। जो इंसान के काम ना आए वो इंसान कैसा? भगवान ने तुम्हें नवाजा है, भगवान ने तुम्हें दिया है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उड़ने लग जाओगे। अहंकार ना कीजिएगा। भगवान सबसे ज्यादा नफरत करते हैं तो अहंकार से नफरत करते हैं।